अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सर अब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेजेट। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी बेटा, एज़ यू ऑल नो कि जो हमारी क्लास नाइन सिन बोर्ड की बुक है मैथमेटिक्स की, वो जो है चेंज हुई है और उसके अंदर एक फर्स्ट ईयर का टॉपिक इंक्लूड कराया गया, दैट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होते हैं, इसका आज बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और फर्दर इंशाल्लाह ताला जैसे आगे जाएंगे हम उसको और डीपली देखते जाएंगे कि इसमें कौन कौन से सम्स इंक्लूड किए गए हैं। तो आइए बगैर किसी ताखिर के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बेटा देखो ये कह रहा है व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले ये देख लेते हैं कि ये है क्या। हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन मैथमेटिक्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ए प्लस बी आयोटा, वेयर ए एंड बी आर द रियल नंबर्स एंड आई दैट मीन्स आयोटा इज अ सिंबल कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। द वैल्यू ऑफ आई दैट मीन्स आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वन। ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ये है आयोटा की वैल्यू सिर्फ माइनस वन नहीं होती, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन होती है। आई डोंट नो इसके अंदर क्यों स्लाइड के अंदर ये चीज़ शो नहीं की। बहरहाल तो आयोटा की जो वैल्यू होती है दैट इज नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वन एंड दैट ऑफ आयोटा स्क्वायर इज ओनली नेगेटिव वन, राइट। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा, ए इज कॉल्ड द रियल पार्ट एंड बी इज कॉल्ड द इमेजनरी पार्ट। इतना बेटा हम जहन में रख लेंगे अभी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड द इमेजनरी नंबर। रियल नंबर आप लोगों को पता है इसके अंदर सारी की सारी कैटेगरीज, रैशनल, इरेशनल, कॉम और कंपोजिट, प्राइम, सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं सारे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, आइदर वो फ्रैक्शंस हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। लेकिन इमेजनरी नंबर क्या होता है, देखो हमें पता है कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू का जो है ना वो स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट्स अ मैथमेटिशियंस ने यहाँ पे क्या किया है, नेगेटिव वन का जो स्क्वायर रूट है उसको एक इमेजनरी नंबर कंसिडर किया गया, दैट इज़ आयोटा, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक रियल नंबर होगा उसमें जैसे कि ए है और उसमें एक इमेजनरी नंबर आ जाएगा अलॉन्ग विद देयर इमेजनरी पार्ट दैट इज़ बी, बी आयोटा। तो रियल और इमेजनरी का जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। वो प्लस के फॉर्म में भी हो सकता है, माइनस के फॉर्म में भी हो सकता है, दैट्स इट, ठीक है। ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, अब इसकी एग्जाम्पल बेटा देखते हैं कि हमारे पास जो ग्रेजुअली टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बता रहे हैं राइट द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसने यहाँ पे हमें एक ऑर्डर पेयर दिया वन कॉमा टू, ये आपसे कह रहा है कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ये चीज़ बेटा हम लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि जो किसी भी ऑर्डर पेयर आपको अगर दिया जाएगा तो उसका जो फर्स्ट वैल्यू होगी दैट शुड ऑलवेज बिलोंग टू अ रियल नंबर फैमिली, नंबर वन, एंड नंबर टू द सेकेंड फैमिली शुड ऑलवेज बिलोंग्स टू अ इमेजनरी वन, ठीक है। तो a प्लस बी आयोटा जो है, a वन आप समझ लो a की जगह पर है, तो a तो हो गया, सॉरी वन तो हो गया रियल पार्ट। सेकेंडली b की जगह पे दूसरी वैल्यू टू दे रही है, तो टू एंड बिकॉज ये इमेजिनरी नंबर है दैट्स वाई यहाँ पे एक आयोटा प्लेस किया जाएगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इट विल बिकम अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, दैट्स इट। सिर्फ आपने इतना सा करना है काम के जो भी आपको ऑर्डर पेयर दी जा रहे हैं इसकी पहली वैल्यू को हम कंसिडर कर लेंगे एज अ रियल नंबर और जो सेकेंड वैल्यू होगी उसको हम कंसिडर कर लेंगे एज एन इमेजनरी नंबर, दैट्स इट। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल बेटा हमसे कह रहे हैं नेगेटिव वन एंड नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव फोर एंड नेगेटिव वन। तो आप यही काम यहाँ पे कर लो, ए की जगह पे नेगेटिव फोर है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्लस है लेकिन क्योंकि वन के साथ माइनस है ना, तो मुझे यहाँ पे माइनस मैंशन करना पड़ेगा एंड देन वी हैव द इमेजनरी नंबर आयोटा। तो वन आयोटा होना चाहिए था लेकिन आपको पता है वन आप वेरिएबल्स के साथ या और कोई फैमिलीज के साथ नहीं मैंशन करते, वो अंडरस्टूड है, इम्प्लाइड होता है वन, ठीक है। तो यहाँ पे वन आयोटा लिखने के बजाय अगर हम आयोटा भी लिखते हैं इसका मतलब यही होगा कि वन आयोटा है, दैट्स इट। तो नेगेटिव फोर और नेगेटिव वन का जो ऑर्डर पेयर है उसको अगर हम ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखें तो वो हो जाएगा माइनस फोर, सॉरी नेगेटिव फोर एंड नेगेटिव आयोटा, दैट्स इट। ये पहला एक टॉपिक है इसके अंदर कि आप किस तरीके से ऑर्डर पेयर को लिखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, राइट। ओके, एग्जाम्पल नंबर टू में हमसे ये कह रहा है बेटा कि इंडिकेट द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप लोग यहाँ देखो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जा रहे हैं नेगेटिव सिक्स प्लस एट आयोटा। इसके अंदर इसने आपसे क्या पूछा है कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो ये चीज़ हमने ऊपर अभी स्लाइड में देखी थी जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देख रहे थे कि जो ए है वो रियल पार्ट होता है और जो बी होता है आयोटा के साथ वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो असल में यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो ए यहाँ पे आ रहा होता है फर्स्ट पोजिशन पे, तो रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हो गया नेगेटिव सिक्स और आयोटा के साथ लिखा होता है बी और बी है पॉजिटिव एट, तो इमेजिनरी पार्ट जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा वो पॉजिटिव एट, दैट्स इट।
ठीक है बेटा, ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत बेसिक है और ये एमसीक्यूज़ में फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आई होप बहुत आसान सी चीज़ें, इतना मुश्किल इनको नहीं है समझना, राइट? ओके, द थर्ड एग्जाम्पल इज़ फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉन्जुगेट क्या चीज़ है मैं भी आपको बता दूँ, इसने आपको एक ऑर्डर पेयर दिया है 5/3 एंड -1/2। आप लोगों को पता है एक प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। वो रैशनलाइजेशन क्या प्रोसेस है कि अगर किसी वैल्यू के डिनोमिनेटर के अंदर रेडिकल साइन आ रही हो तो उसको एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करते हो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हो। वो कॉन्जुगेट बेसिकली है क्या, सबसे पहले तो बेटा मैं करूँगा यहाँ पे ये कि ये जो ऑर्डर पेयर है उसको मैं पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ a+b i के फॉर्म में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सपोज कर लिया कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज़ z, और ये 5/3 a की जगह पर है, ठीक है, तो 5/3 आ गया। देन माइनस की साइन है वो आ गया, और 1/2 जो है b की जगह पर, तो दैट मीन्स b आयोटा का मतलब हो जाएगा -1/2 iota। तो एक तो ये बन गया पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर वन। दूसरी चीज़ ये है कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। कॉन्जुगेट बेसिकली बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है बार से, ये जो मैंने बार आपके सामने लगाई है, ठीक है। कॉन्जुगेट करता क्या है कि जो इमेजिनरी नंबर के साथ साइन होती है ना, उसको ये चेंज कर देता है, दैट्स इट, इसका फंक्शन इतना सा है। यानी अगर ये प्लस में होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर ये माइनस में होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। अब क्योंकि देखो ये माइनस में था ना यहाँ पे, तो फिर कॉन्जुगेट ऑफ जेड आपके पास आ जाएगा 5/3 + 1/2 iota, दैट्स इट। कॉन्जुगेट में सिर्फ मिडिल द साइन जो होती है उसे चेंज किया जाता है, और सेकेंडली वो होनी चाहिए आयोटा की, ठीक है जी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट का। ओके जी बेटा, आज की वीडियो से फिलहाल इतने ही। थोड़ा सा बेसिक कुछ चीज़ें थी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कि मैंने अच्छा आप लोगों के सामने रखूँ। अब फर्दर इंशाल्लाह ताला और भी इसके जो टॉपिक्स वगैरह इंक्लूड किया गया उसको हम इंशाल्लाह फर्दर फर्दर डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो कैसे लगे वीडियो हमें इस मुतालिक ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक से मुलाकात करता हूँ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अब तक अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में भी याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।